हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू पालक के पराठे। इसके लिए मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है, एक कटोरी बारीक कटी हुई पालक ली है, 3 से 4 उबले हुए आलू लिए हैं, 2 से 3 हरी मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे, अजवाइन है आधा चम्मच, आधा चम्मच जीरा पाउडर है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच धनिया पाउडर है, पानी है और ऑयल है पराठा सेकने के लिए। आइए बनाना शुरू करते हैं पराठे। सबसे पहले हम आलूओं को मसल लेंगे अच्छी तरीके से। सारे आलू आप मसल लीजिए। आलूओं को मैंने मसल लिया है, इसमें हम पालक ऐड करेंगे। पालक के साथ ही हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हरी मिर्च मिला लीजिए इन्हें अच्छी तरीके से। अब इसमें हम ऐड करेंगे आटा। आटे में हम डालेंगे अजवाइन और नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। आटे को हम गूंथ लेंगे अच्छी तरीके से। आटा मैंने गूंथ लिया है और इसे हम सेट होने के लिए रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है, आइए पराठा बनाना शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए आप इस तरीके से थोड़ी सी मोटी लोई बना लीजिए, इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे। बेल लीजिए इसे। पराठा हमने बेल लिया है, ये देखिए इस तरीके से। आप थोड़ा मोटा रखिए पराठे को, इसे हम सेक लेते हैं। तवे को गर्म कर लीजिए, इसमें हम पराठा डाल देंगे और इसे थोड़ा मध्य आंच पर हम सेकेंगे। पराठा हमारा नीचे से हो गया, इसे पलट लेते हैं। इस पर हम तेल लगाएंगे, आप चाहें तो घी का यूज करिए। ये देखिए पराठा बहुत ही अच्छा खस्ता सिका हुआ है, दोनों तरफ अच्छे से सिक गया है। गैस बंद कर दीजिए। पराठे को हम निकाल लेते हैं प्लेट पर। आलू पालक का पराठा बनकर रेडी है। आप इसे अचार के साथ सर्व करें या केचप के साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.